Hi guys, welcome back to my channel Beauty with Brain. I hope you all are doing good. So here I'm back with another transformation video, that is my Valentine's Day makeup look. I hope ye video aapko pasand aayegi. So last tak zarur dekhna and pasand aaya to like, share and comment to banta hi. And guys, mujhe Instagram pe follow karna mat bhulna. Mera Instagram handle yahan pe screen par dikh raha hai. So let's get into the video. तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, जिससे कि हमारा स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहे। यहाँ पे मैं जॉनसन बेबी यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं बहुत समय के बाद यूज़ कर रही हूँ। एंड दिस मॉइस्चराइज़र इज़ माय वन ऑफ फेवरेट, जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र है। एंड आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको भी पसंद आएगा। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, बट मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा पसंद है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। एंड ये एक यू नो हाइड्रेटिंग सा इफेक्ट देता है आपकी पूरे स्किन को। मैं अपने फेस पे और नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी दिस सीरम। Now I am taking this highlighter by Nykaa. Product detail आपको पूरी description box में मिल जाएगी, तो description box ज़रूर check करना। अब मैं highlighter को mix करने वाली हूँ अपने sunscreen के साथ, यानी कि मुझे चाहिए होगा extra glow, क्योंकि ये होने वाला है Valentine's Day glam makeup, तो extra glow तो बनता ही है। So guys, मैं हाइलाइटर और सनस्क्रीन को अच्छे से मिक्स कर लूँगा। आप चाहो तो अपने मॉइस्चराइज़र के साथ भी मिक्स कर सकते हो, इससे आपको एक शाइन मिलता है, एक ग्लोई ग्लोई सा आपका फेस हो जाता है। तो आप देख सकते हो हाउ माई स्किन इज़ ग्लोइंग राइट नाउ। और जो नायका का ये हाइलाइटर है वो स्किन टोन के साथ बहुत अच्छे से जाता है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस फिटमी का फाउंडेशन एंड यूजिंग दिस फाउंडेशन ब्रश। इसका डिटेल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इसको मैं अच्छे से अपने स्किन पे एंड नेक पे अप्लाई कर लूँगी। फिटमी का जो फाउंडेशन है वो मीडियम टू हाई कवरेज यू नो फाउंडेशन है, एंड आपके हर स्किन टाइप के साथ जाता है, चाहे वो ऑयली हो या तो, एंड हर एक स्किन शेड में भी अवेलेबल है। एंड नाउ आई एम यूजिंग हिलेरी हुडा का ये पैलेट, फेस पैलेट इसको आप बोल सकते हो। ये मल्टीपर्पज पैलेट है गाइस, एंड इसमें आपको हर एक कलर का आई शेडो मिल जाएगा, यू नेम इट एंड यू गेट इट। आपको शिमर शेड भी मिल जाएंगे, आपको मैट शेड्स भी मिल जाएंगे, एंड उसमें से आप फेस पैलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें से मैंने एक शेड लिया है जो कि मेरे कॉन्टोर शेड के लिए एकदम परफेक्ट था। उस शेड को पिक करके मैं अपने फेस को पहले कॉन्टोर कर लूँगी, जिससे कि मेरे फेस को एक एजी लुक मिल जाएगा, एक डेफिनेशन मिल जाएगा, यू कैन सी। नाउ आई एम अप्लाइंग दिस फिटमी का लूज पाउडर ऑन ऑल ओवर माई फेस। मैं बेक नहीं करूँगी अपने फेस को, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऑल दो मेरी स्किन ऑयली है, तो मुझे गर्मियों में बेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। नाउ आई एम यूजिंग द सेम पैलेट, हिलेरी हुडा का पैलेट, और वहाँ से मैं एक ट्रांजिशन शेड पिक कर रही हूँ फॉर माई आई शेडो, और उसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने क्रीज लाइन पर। नाउ आई एम पिकिंग दिस रेड शेड, रस्टिक रेड शेड है, जो कि वैलेंटाइंस डे लुक के लिए परफेक्ट है। मैंने उस सेम यू नो हिलेरी हुडा के पैलेट से लिया है, एंड नाउ आई एम पिकिंग दिस गोल्ड शेड, जो कि एक शिमर शेड है और बहुत ही परफेक्ट है इसका पिगमेंटेशन गाइस। एंड उसके ऊपर मैंने क्रीज पे अप्लाई किया है एक डार्क मरूनी शेड, जिससे कि एक ट्रांजिशन इफेक्ट आता है, एंड आई लुक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था गाइस। मैं तो फ़ैन हो गई हूँ उस पैलेट की। अगर उसका लिंक मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। यहाँ पे मैंने आईलाइनर लगाया है लैक्मे का, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट आईलाइनर है। एंड मैं अब जो भी बचा हुआ है प्रोडक्ट मेरे आई शेडो का, उसको मैं अपने लोअर लाइन पे लगा लूँगी एंड अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ दिस कोलोसल काजल टू टाइट लाइन माई आईज़, जैसे कि मेरी आईज़ और भी ज़्यादा ब्रॉड लगे। नेक्स्ट आई एम यूजिंग हाइपर कर्ल मस्कारा, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। मुझे कैमरे पे ये मस्कारा लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इससे मेरी आई जो है वो ब्लिंक करती है, एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है इसे। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस हाईलाइटर शेड ऑन द हाई पॉइंट ऑफ माई आईब्रोज़। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसको क्या बोलते हैं।
एंड गाइज आई एम गोइंग टू फिल माई आईब्रोज बाई यूजिंग द सेम पैलेट दैट इज हिलेरी हुडा का पैलेट. यार मल्टीपर्पज़ पैलेट है, आपको ज़रूर परचेज करना चाहिए. उसका लिंक मुझे अमेजोन पे मिलेगा तो मैं पक्का दे दूँगी आपको. एंड वहाँ से मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है और मैं यू कैन सी मेरी आईब्रोज कितने अच्छे से फिल हो गई है. एंड मैं एक पुली की हेल्प से अच्छे से अपने आईब्रोज को ब्रश कर लूँगी. मेरे आईब्रोज अभी ज़्यादा शेप्ड नहीं है बट इट्स ओके, आई कैन मैनेज एंड यू कैन सी द लुक. अब मैं एक ट्रांजिशन करूँगी एंड ये जादू से मेरा दोनों आई लुक कंप्लीट हो गया है. गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा आई लुक आपको कैसा लग रहा है, क्या ये वैलेंटाइंस अप्रोप्रिएट है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना. मुझे तो बहुत अप्रोप्रिएट लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है. एंड दिस पैलेट इज़ अमेजिंग गाइज, हिलेरी हुडा का पैलेट, पिगमेंटेशन एंड जो भी है, मतलब मैंने लगा के भी रखा था बहुत देर तक एंड बहुत ही अच्छा पैलेट है गाइज, बहुत ही ज़्यादा. उसके बाद मैं अपने फेस को पाउडर कर लूँगी एंड बाई यूजिंग द सेम पैलेट. मैंने एक ही पैलेट का यूज किया है, उससे मैंने एक ब्लश शेड पिक किया है, उसमें ब्लश भी है. मैं यहाँ पर बगल में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ब्लश शेड्स भी हैं. तो मैंने दोनों तीनों ब्लश शेड्स को मिक्स करके एक अपना जो आई लुक के साथ मेरे जा रहा था वो ब्लश शेड यू नो बना लिया था. आप देख सकते हो कितना आप इसको अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, जो ब्लश का पिगमेंटेशन है उसको अच्छे से बिल्ड कर सकते हो. अगर आप कम रखना चाहते हो पिगमेंटेशन तो भी रख सकते हो, ज़्यादा करना चाहते हो तो भी रख सकते हो. एंड बहुत ही ज़्यादा यू नो लॉन्ग लास्टिंग भी था मेरा ये, 6-7 घंटे तो चला था ये पूरा लुक. आई मेकअप भी फेड नहीं हुआ था, ना ही पिटमी का तो फेड होता ही नहीं है, 7-8 घंटे अच्छे से चल जाता है फाउंडेशन. सो ओवरऑल जो मेरा ये लुक था वो 7-8 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग है. सो ज़रूर आप ट्राई करना. नाउ आई एम यूजिंग द हाइलाइटर टू हाईलाइट माई हाई पॉइंट्स. एंड मैं इतना डर क्यों रही हूँ हाइलाइटर्स अप्लाई करते टाइम, आई डोंट नो. मैं सोच रही हूँ ज़्यादा ना लग जाए क्योंकि मैं एकदम सटल रखना चाहती थी ग्लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज़ किया था अपने यू नो सनस्क्रीन के साथ. सो आप देख रहे हो उसका ग्लो गाइज, बहुत ही ज़्यादा यू नो अमेजिंग हाइलाइटर है इंडियन स्किन टोन के लिए. इसमें कई सारे शेड्स हैं, मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके ज़रूर चेक करना. नाउ आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन का रेड चिली, जो कि रेड हॉट तो नहीं बोल लेंगे बट रेड कलर है जो कि मेरे लुक के साथ जा रहा था. सो आई एम अप्लाइंग दिस और ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी मैट है तो ऑब्वियस ही बात है क्रीमी ही होगी लिपस्टिक, और ठंडियों के लिए बेस्ट है. आपको अगर आप भूल भी जाते हो लिप बाम अप्लाई करना तो ये काम कर जाता है. लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है बट पिगमेंटेशन अच्छी है एंड हाइड्रेटिंग भी है. और मैं एक काम ज़रूर करती हूँ लिपस्टिक लगाने के बाद डैब डब करती हूँ एंड या मेरा लुक कंप्लीट हो गया. आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा ये लुक मेरा आफ्टर मैरिज वैलेंटाइंस डे लुक. एंड इग्नोर माय बैकग्राउंड. सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन.